हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि जीमेल अकाउंट अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और एक ज़बरदस्त जो है ईरर आपको मैसेज आ रहा है, बार बार एक ही ईरर मैसेज आ रहा है, वो ईरर है आपका गूगल कुड नॉट वेरीफाई दिस अकाउंट बिलोंग टू यू। ठीक है, इस तरह का मैसेज आ रहा है आपको, तो कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे रिकवर कर सकते हो अपने जीमेल अकाउंट को। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह जीमेल अकाउंट के ऊपर में है, गूगल अकाउंट के ऊपर में है। अगर आपको परेशानी हो रही है, बार बार एक मैसेज आ रहा है, इरर मैसेज आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान हो गए हो, तो यह वीडियो जरूर पूरा देख लीजिए। आपके हेल्प का वीडियो है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, बीच में बिल्कुल छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट का पासवर्ड जो है भूल जाते हैं, उसको हम रिसेट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उस केस में जो है आप सब कुछ सही से होता है, सब सारा काम आपका सही से होता है, आपका सारा स्टेप आपने बिल्कुल सही से ही फॉलो किया रिकवर करने का, उसको रिसेट करने का, लेकिन लास्टली जो है आपको एक ईरर आ जाता है, एक मैसेज आता है, गूगल कुड नॉट वेरीफाई दिस अकाउंट बिलोंग टू यू, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है कि आप जब अकाउंट में गलत पासवर्ड डाल देते हो, ठीक है, बार बार गलत पासवर्ड डाल देते हो, या फिर गलत तरीके से उसको रिसेट करने का या फिर रिकवर करने का कोशिश करते हैं, तो गूगल को लगता है कि कोई गलत आदमी आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है और वह आपके अकाउंट को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और उस केस में आप सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हो रिकवर करने के लिए, रिसेट करने के लिए, फिर भी आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। इस केस में जो है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप एटीएम में गलत पासवर्ड डाल देते हो 3 बार, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाता है, फिर 24 घंटा के बाद आपका वो ओपन होता है, उसी तरह यहाँ पर भी अकाउंट आपका जीमेल का, गूगल का ब्लॉक हो जाता है टेम्प्रोरी। यह खुलने में जो है आपको थोड़ा समय लग सकता है, एक एक 1.5 महीना आपको यहाँ पर लग सकता है, तो आपको उसमें बार बार डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। बार बार जो है आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए। और दूसरा बात है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना आईडी पासवर्ड दूसरे लोगों को बांटते रहते हैं और उनसे बोलते रहते हैं कि हमारे अकाउंट को एक्सेस करने में हमारा हेल्प कीजिए, तो 10 जगह से अगर आपके अकाउंट को कोई लॉगिन करने का कोशिश करेगा, तो गूगल जो है, गूगल को फिर लगने लगता है कि भाई यह अकाउंट और बहुत सारे लोग एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत गलत लोग जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इस केस में जो है आपका अकाउंट टेम्पोरी ब्लॉक हो जाता है, या फिर टेम्पोरी ब्लॉक के बाद जो है परमानेंट ब्लॉक भी किया जा सकता है। इसलिए अपने ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड जो है वो आपका संपत्ति है, उसको अपने पास रखिए, प्रसादी के तरह जो है, भगवान के प्रसाद के तरह जो है, उसको हर जगह बांटिए मत। ठीक है, ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आ गया है, आपको 1.5 महीना जो है शांति से बैठना है, उसके बाद फिर से आप जो है उसको रिकवर करोगे फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन से, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी कोड आएगा, आराम से जो है रिकवर हो जाएगा, कुछ उसको टाइम आप देना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा आपको तरीका मैं बता देता हूँ, तब तक क्या आप करिए, बैठ के तो इंतजार कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना है, इसलिए हम लोग एक और मैं आपको यहाँ पर चीज बता देता हूँ। चलिए, गूगल में आपको आना है, यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है जीमेल सपोर्ट फॉरम। ठीक है, ऐसे टाइप करके आपको सर्च मारना है। ठीक है, सर्च आप मारोगे, यहाँ पर जो है आपको इस तरह का आपको एक पेज मिलेगा, कम्युनिटी फॉरम हेल्प, जीमेल हेल्प, आपको इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप इसको क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर कम्युनिटी आप देख रहे हो, यहाँ पर आना है, यहाँ पर पहले से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप जो है नीचे में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आस्क नाउ का। ठीक है, आस्क नाउ को यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका हेडलाइन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका जो भी मन, एक जीमेल अकाउंट रिकवरी में लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू बटन है, इसको आप क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपको कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ठीक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर मिलेंगे, उसको भी देख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम जो है कुछ कैटेगरी चूज कर लेते हैं, जो भी आपको कैटेगरी अगर नहीं मिलता है
मान लीजिए, तो कोई भी कैटेगरी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कुछ जो भी आपको है ये आप चूज कर लो, मेल नोट लोडिंग या जो भी आपको नहीं मिलता है तो क्रोम लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्राउजर, यहाँ पर आपका एंड्रॉयड, ठीक है, और फिर यहाँ पर कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप डिटेल में जो है अपना सारा मैसेज जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो, उसमें अपना एक दूसरा जीमेल आईडी भी दे दीजिए, ताकि आपको आपका जो है, आप तो अपना जीमेल आईडी को जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, अगर गूगल कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगा तो कैसे करेगा, इसलिए अपना दूसरा जीमेल आईडी यहाँ पर कांटेक्ट के रूप में आप जब मैसेज लिखोगे तो देना जरूर। इस तरह से जो है अपना जो है मैसेज लिख सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू माई जीमेल अकाउंट और गूगल अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और अपना यहाँ पर जो है अच्छे से लिख देना, ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, आपका दो चार लाइन लिख देना, अपना नया जीमेल आईडी को दूसरा दे देना, ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सकते हैं, और यहाँ पर जो है अपना एक फाइल लगा देना, जो भी फाइल होगा आपके पास, यहाँ पर जो है आपके पास फाइल होगा तो अपना अटैच कर देना फाइल यहाँ पर स्क्रीनशॉट उससे रिलेटेड, ताकि उसको समझने में दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट गूगल के लोग यहाँ पर चेक करेंगे आपका, और यहाँ पर फिर जो है आपको नीचे में कैप्चा कोड है, इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर पोस्ट कर देना है, जल्द ही जो है आपको यहाँ पर रिप्लाई भी मिल जाएगा, और अगर आपको यहाँ से रिसेट का लिंक मिल जाता है कंपनी के माध्यम से, गूगल कंपनी के माध्यम से, तो आसानी से जो है अपना पासवर्ड फिर से आप यहाँ पर क्रिएट कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना प्रश्न क्वेश्चन जो भी है आप यहाँ पर पूछ के, जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 1-1.5 महीना बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है, तो वो बढ़िया है। और अपना आईडी पासवर्ड किसी को बार बार बांटिए मत, ठीक है, उससे आपको और भी दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो आपका प्रॉब्लम आता है, गूगल कुडंट वेरीफाई दिस अकाउंट बिलोंग टू यू, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, जीमेल वाला, गूगल वाला, ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए अपने अकाउंट को जल्द से जल्द आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करें, और वीडियो कैसा लगा है आप जो है दोस्तों कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कॉमेंट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें, मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, मेरे सारे सोशल लिंक को फॉलो करें। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स वगैरह, इसको फॉलो कीजिए, और मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे लेटेस्ट वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा दीजिए, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो हमेशा मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।